यूपी के मेरठ में बीते 15 दिनों से वन विभाग ने ऑपरेशन तेंदुआ चला रखा है। लेपर्ड को पकड़ने के लिए अलग अलग 17 कैमरे लगाए गए हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए 2 रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी तेंदुआ गिरफ्त में नहीं आ सका। जिला वन अधिकारी ने बताया कि 15 दिन में 2 बार लेपर्ड देखे जाने की सूचना आई है। जिला वन अधिकारी राकेश कुमार का कहना है कि जिस क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने की सूचना आई है उस इलाके में लोग रात में न जाएं और अगर जाएं तो झुंड में और शोर मचाते हुए जाएं। जिला वन अधिकारी का कहना है कि अगर तेंदुए से कभी सामना भी हो जाए तो रिएक्शन ना करें, वाइल्ड एनिमल अटैक नहीं करेगा, इतना हो सके सहज रहें। ह्यूमन प्रेजेंस को वाइल्ड एनिमल अवॉइड करते हैं। उन्होंने बताया कि टीम की टैक्युलाइजिंग गन आदि उपकरण भी तैयार है। राजेश कुमार का कहना है कि अफवाह को न माने और डरने की जरूरत नहीं है। SOP के माध्यम से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजेश कुमार ने बताया कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। यहां 8 से 10 तेंदुए मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि वन्य जीव की रक्षा के लिए हस्तिनापुर में करोड़ों की लागत से रेस्क्यू सेंटर बनाया जा रहा है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।